हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी X9 के बारे में, जो कि मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन होगा और काफी अच्छे स्पेक्स के साथ में आएगा। सो इस इंट्रो के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.4 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले दी जाएगी। ये AMOLED डिस्प्ले होगी, यानी व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया मिलेगी। एक चेंज जो इस स्मार्टफोन में मिलेगा वो है इसका प्रोसेसर में। इस बार कंपनी ने स्नैपड्रैगन के बजाय MediaTek का प्रोसेसर दिया है, जो है Dimensity 800U। ये मिड रेंज सेगमेंट के लिए काफ़ी अच्छा 5G प्रोसेसर है। इसके अलावा 6GB और 8GB का रैम वेरियंट देखने को मिलेगा और 128GB की स्टोरेज मिल जाएगी, जिसको हम मेमोरी कार्ड के थ्रू एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, यानी ये नॉन एक्सपेंडेबल स्टोरेज होने वाली है। नेक्स्ट कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल कैमरा मैक्रो शॉट्स के लिए दिए जाएंगे। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। इसके बाद बैटरी की बात करें तो 4310 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 50W के फास्ट चार्जर के साथ में आएगी। तो यही है गाइस पूरी स्पेक्स रियलमी X9 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 20,000 के बजट में देखने को मिलेगा। वहीं इसकी लॉन्च फरवरी मंथ में हो सकती है, क्योंकि रियलमी इंडिया के CEO माधव सेठ ने इसको ऑफिशियल टीज करना शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ नाइस डे।